ग्वालियर में ई व्हीकल चार्जिंग के लिए नगर निगम ने 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 5 चार्जिंग स्टेशनों को तैयार किया है। इन स्टेशनों की रखवाली के लिए निगम ने सीसीटीवी भी लगा दिए हैं, लेकिन अब समस्या ये है कि इन स्टेशनों पर बिजली ही नहीं है। देखिए ग्वालियर से एनडीटीवी संवाददाता देव श्रीमाली की रिपोर्ट। जो राशि हमारे पास जमा होती है वो सुपरविजन चार्जेस की जमा होती है, वो पूरे जो एस्टिमेट राशि होती है उसका 5% होता है सर। बाकी जो कार्य है वो जो एजेंसी है उसको खुद ही कराना होता है, वो टेंडर निकालेंगे या जो भी उनका प्रक्रिया है वो उन्हें पूर्ण करनी पड़ेगी और एक कार्य कराना पड़ेगा। हमारा काम तो सिर्फ उसमें देखना है कि जो कार्य हो रहा है वो जो स्वीकृत एस्टीमेट के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा। जो खंभे लग रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर लग रहा है, वो निर्धारित मानदंडों पर मानक प्रक्रिया के साथ लग रहा है कि नहीं लग रहा। हमारा काम सिर्फ सुपरविजन करना होता है। नगर निगम द्वारा 5 ही चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं और उनके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई है। एमपीवी को उसकी जो राशि है वो भी जमा करा दी गई है। अब उस राशि का अभी क्लियरेंस एमपीवी से हो नहीं पाया। जैसे उसका क्लियरेंस हो जाएगा तो वो ट्रांसफार्मर लगा देंगे और हमारे स्टेशन चालू होना शुरू हो जाएंगे। ई रिक्शा हो या ई स्कूटर हो, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार भी यही चाहती है कि ई व्हीकल का बढ़ावा दिया जाए, बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ाया जाए जिससे कि प्रदूषण पर रोक लगे और पेट्रोल और डीजल पर होने वाली जो खपत है उसको कम किया जा सके। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है ग्वालियर में ये है कि जो ई चार्जिंग की व्यवस्था है ही नहीं। अभी अगर कोई स्कूटर लेके निकलता है और उसकी गाड़ी बीच में बंद हो जाती है तो उनके पास इसको चार्ज करने का कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं है, बल्कि दो विभागों के बीच में ये ई चार्जिंग का जो सेंटर है, स्टेशन है, ये बंद पड़ा हुआ है। क्योंकि बिजली विभाग ये चालू इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इसमें अभी तक ट्रांसफार्मर की जो NOC है वो नहीं दी गई है। और बिजली विभाग का कहना यह है कि हमारा काम तो सिर्फ NOC देना है, बाकी लगाना इन्हीं का काम है। 1,56,00,000 की लागत से ग्वालियर में ऐसे एक नहीं 5 जगह पर ई चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन चालू एक भी नहीं और महीनों से ये सफ़ेद हाथी की तरह पड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं कि इससे क्या दिक्कत आ रही है, किस तरह का क्या ये बनाएगा, क्या मतलब है इसका? सर देखिए, जैसा कि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने के लिए, चूँकि महंगाई इतनी ज़्यादा हर आदमी नहीं डलवा पा रहा है, तो ईवी का एक ऑप्शन जो है सरकार ने उपलब्ध करा दिया है। अब लोग इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर, यहाँ तक कि कारें भी चला रहे हैं, इंदौर में तो बसें भी चल रही हैं। लेकिन चार्जिंग की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि कहीं भी सेटअप नहीं है। हमारे ग्वालियर में जैसे 5 जगह पर बताया 1.5 करोड़ की लागत से यहाँ ये स्टेशन बना दिए गए, लेकिन चालू नहीं है। तो ऐसे में लोगों के साथ बड़ी समस्या होती है कि घर से निकले पता चलता है कि आपकी गाड़ी 100% चार्ज है, लेकिन रास्ते में पहुँचते 70 और धीरे धीरे 30 के आसपास पहुँची, तो लोग वापस घर कैसे पहुँचेंगे इस बात की कोई श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि रास्ते में कहीं भी इस बात की व्यवस्था नहीं है कि कहीं आप जो चार्जिंग स्टेशन है जहां आप विकल्प के तौर पर उसे चार्ज कर सकें। लोगों ने चार्जर अपने घर में तो इंस्टॉल करा रखे हैं, लेकिन बाजार में उनके साथ ऐसी कोई समस्या आती है तो वो बेचारे कहां जाएंगे। हजारों की संख्या में ई रिक्शे ग्वालियर में मौजूद हैं, लेकिन उनके पास कोई चार्जर की व्यवस्था नहीं। एक तरफ कॉमर्शियल चार्जिंग ना होने के कारण बिजली विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, और दूसरी तरफ जो चार्जिंग स्टेशन है वो बनने के बाद भी बंद खड़े हुए हैं। तो किस तरह की ये समस्याएँ आती हैं? ये देखिए, दोनों ही बातें हैं। दरअसल मैं अपने साथ का एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि मैं एक बार खुद ही अपने छोटी बहन का इलेक्ट्रॉनिक जो हमने बाइक उसको अभी दिलवाई थी उसको लेके गया था और मिनिमम 3 से 4 घंटे में वो ख़त्म हो गई। तो मुझे ये सोचना पड़ रहा था कि मैं वापस कैसे आऊँ, तो मैंने उसको ऑटो में रखवाया और उस दिन वापस आया। अगर ये जो आप बता रहे हैं कि इस तरह की चार्जिंग व्यवस्था शहर में जो 5 जगह लगी हुई है, अगर ये प्रॉपर तरीके से चालू हो जाए तो ना जाने कितने लोगों का भला होगा, और भला तो होगा ही साथ में आय भी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो नगर निगम ने 1.5 लाख एक करोड़ और 50,00,000 से ज़्यादा रुपए खर्च कर दिए हैं, उसके बावजूद भी इन स्टेशनों को चालू नहीं किया गया। समस्या जो की त्यों बनी हुई है और ये सफ़ेद हाथी बनकर खड़े हुए हैं। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV।